हे व्यूवर्स, होप यू ऑल गुड। एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज जिस कॉइन की बात हम करेंगे वो है 5 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व के श्रमिकों यानी लेबर की वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट और सोशल जस्टिस। ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और बाकी कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेज़ हैं। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। 27 अक्टूबर 1994 में भारत ने ILO की स्थापना के 75वें एनिवर्सरी पर 5 रुपीज़ का कॉइन इशू किया। साथ ही साथ 50 रुपीज़ का कॉइन भी इशू किया और 100 रुपीज़ का। पर जो 50 और 100 रुपीज़ का कॉइन था वो एज अ प्रूफ सेट था, अनसर्कुलेटेड था। आइए कॉइन के फीचर्स को देखते हैं। ईयर ऑफ इशू 1994। टाइप इसका सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन। वेट इसका 9 ग्राम्स। मेटल कॉम्पोजिशन है इसका 75% कॉपर, 25% निकल। शेप इसका सर्कुलर है। डायमीटर 23 mm, थिकनेस 2.6 mm, एज सिक्योरिटी। और जो इसमें मिंट मार्क है वो मुंबई मिंट का है, डायमंड आप देख रहे हैं। तो अब कॉइन के ये जो आप देख रहे हैं रिवर्स साइड है, इसमें ILO का इनिशियल है लिखा हुआ। साथ ही एक कॉगविल्स बने हुए हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को शो करता है। 2 ऑलिव ट्विग्स हैं और नीचे आप डेट मेंशन है यहाँ पे। आइए हम इसके ओवर साइड को देखते हैं। तो ओवर साइड में नेशनल एम्बलम बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते, फिर डिनोमिनेशन 5 मेंशन है। लेफ्ट हैंड साइड में हिंदी में भारत, हिंदी में रुपए, और राइट हैंड साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखा हुआ है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।